सुबह सुबह तुम्हारे भाइयों ने धावा बोल दिया, पानी निकलता रहता है, जादू ही कुआं, कबूतर लड़ाई होगी बहुत बुरे वाले और घुट्टा मुट्टा होगी भाई यहाँ तो। पर पाकिस्तान इधर है, इंडिया हिंदुस्तान। तो भाई सुबह के 4 बज चुके हैं, सो के उठ चुके हैं हम, और ये भी उठ रहा है। अब भाई वे दोनों तो सो ही रहे हैं, चलो उन्हें सोए नहीं रहने दो, उठ जाएंगे जब उठेंगे। अब भाई नीचे से फर्श इतना ठंडा हो रहा है ना, मज़ा आ गया एकदम, सो के नींद एकदम मज़ा आ गया। तो आप सभी को सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब भाई? एकदम मैं मस्त हूँ, आप भी मस्त रहो। अभी प्लान हमारा वाघा बॉर्डर जाने का, उसके बाद जलियांवाला बाग देखेगा, फिर वाघा बॉर्डर जाएगा, ऐसा प्लान है। प्लान में थोड़ा चेंज है, पहले जलियांवाला बाग देखेंगे, उसके बाद जाके हम वाघा बॉर्डर, क्योंकि भाई अब लगभग परेड शाम को ही होती है। हाँ जी, जैसे आप फ्री हो? हाँ, तीन लड़के वो दर्शन करने गए। अच्छा जी, अगर पहले अपने को सवारी मिल गई, पहले 12 बजे भी निकल सकते हैं, 11 बजे भी। आए फोन चेक, फोन कर लो, हम यहीं पे मिलेंगे। तो भाई ये भाई की दुकान है, चलो ठीक है भैया। ओके ओके, मोबाइल पर्स का ध्यान रखना, पिछली ये मैं मोबाइल पैसा नहीं डाला। ओके, ये मैं मोबाइल और पैसा नहीं डाला भाई, इन्होंने सलाह सही दे दी यार, पता लगा कोई खत्म करी दे। तो भाई ये जलियांवाला बाग यहाँ से खुलेगा, ओपनिंग टाइम है भाई इसका 10 बजे बता रहे यार। भाई ये कुआ है, इसके अंदर इसके ऊपर इन्होंने टैल ऐसे हिसाब से लगा रखी है, जो भी है भाई समझो, मैं तो समझ नहीं रहा ये क्या बोल रहा है यार, मैं ध्यान से उतर गया इसे, इसमें को पानी निकलता है, तो लोग भाई इसे जादू ही कुआ बोलते हैं। अरे जो भाई गोली चली थी भाई यहाँ से चली थी गोली, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ है। पर भाई यहाँ को तो आके थोड़ा सुकून सा मिला, गर्मी से एसी सा चल रहा है यार, लड़ाई बजी भाई लड़ाई बजी। ब्लैक संडे, ओके बॉस, रिपोर्ट देखो भाई, ईंट देख रहे कितनी पुरानी है जलियांवाले बाग में। यू है गोली से जान बचाने के लिए लोग भागते हुए इन कुएं में गिर पड़े, इस कुएं में 120 मृतक शरीर निकाले गए थे। भाई ये है वो कुआ, ओ भाई कितना गहरा कुआ है, तो मैं दिख रहा नहीं, दिख रहा मैं ये नहीं कह सकता, पर मुझे दिख रहा बहुत गहरा कुआ है, बहुत बड़ा, रात को मजा आएगा जाएगा ऐसा देखने में। ये पेड़ देख रहे कितना बड़ा, ये इस वाले को नहीं कह रहा, ये जो ये पेड़ दिख रहा सामने वाला, ये वाला देखो एक बार चेक करो कितना बड़ा पेड़ है भाई, ये शायद इस पे भाई कुछ लिख भी रखा, इसकी जड़ पता कितनी मोटी है, जड़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें इसकी कितनी मोटी, बहुत मोटी जड़ है भाई इसकी, देखो ये कुछ लिख भी रखा है इन पे, ऊपर तक लिख रखा हो भाई, वन तक लिख रखा, देखो ये लिख रखा, देखो ये चल गया वो कुआ, मैं कह नहीं रहा था कुआ चल गया, इसमें से पानी निकलता रहता है, जादू ही कुआ। तो भाई यहाँ पे कोई पुराना इतिहास बताया जा रहा है, यहाँ बैठ के देखेंगे। तो भाई अभी जलियांवाला बाग देख लिया पूरा, अभी चल रहे हैं, और 1 बजे से भाई ऑटो है अपना, उससे जाना है हमें वाघा बॉर्डर, तो वाघा बॉर्डर भी चले गए, 2-3 और आ रहे इधर को लजते उलझते सीधा फिर वहीं पे। भाई अभी हम यहाँ बैठे मार्केट में, थोड़ा अभी वाघा बॉर्डर जाने के लिए रेडी है, बस मैं फ़ोन चार्जिंग पे कर लूँ, और 1 घंटे में निकल लेगा वाघा बॉर्डर के लिए, शाम की परेड होती है डेली। भाई सामने झुंड लग रहा ना, यहाँ पे लड़ाई होगी बहुत बुरे वाली, और घुट्टा मुट्टा होगी भाई यहाँ तो, क्यों बहुत देर से चल रही, मैंने सोचा वीडियो बना ही लूँ यहाँ जी का। तो अभी भैया ऑटो में कर रहे हैं कनेक्शन यार, क्योंकि फोन दोनों ही पड़े हैं, तो टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 1 ही बज गया,
तो भैया कह रहे कि 3 बजे तक तार देंगे वहाँ पे वाघा बॉर्डर पे, तो वहाँ पे सीढ़ी मिल जाएगी, तो हमें सीट आगे मिल जाएगी। चलो यार ठीक है, जल्दी जल्दी 2-3 और लग रहे। इसने बैग टंगा, इसने भाई बंदा नहीं ऊपर, अपना अपना बांध दिया बैग सिर्फ इसने। ले लियो। तो भाई इंडिया गेट द्वार में कर चुके हैं प्रवेश, ऑटो वाला तार का मैं गया भाग, कह रहा है कि तुम जाओ, फोटो वोटो हम खींचते नहीं। मैं भाई पीछे ऐसा पसीने में लथपथ होया पड़ा, बहुत बुरा पसीने लथपथ हो रहे। ये है इंडिया गेट, बहुत तगड़ा ऊंचा था, पर भाई वहाँ पे एक पौधा नहीं उग रहा, ये वो उग रहा पीपल का पौधा उग रहा छोटा सा। अरे यार वो काटना चाहिए, पर भाई रात को तो और तगड़ा सीन होगा। यहाँ पे लाइट वाइट बाल रही, लाइट वाइट लगा रखी है, और सबके सब आ रहे, और सबके सब मेरे पीछे पीछे आने लग रहे। वो भाई है तो कुत्ता बैठा करे मेरी इसी पट जा। एक तो भाई ये रोड बनी, इसमें से इतना तगड़ा भभका निकल रहा ना, बहुत बुरे वाला। ओ चाचा ऑटो को देख के भाई, अभी यहाँ डब्बे पर रुके हैं, यहाँ से लंच वंच करके खाना वाना, तो यहाँ खाना वाना खा के जाते हैं। हमने कुछ नहीं खाना, सिर्फ ठंडा पानी पीना। और भाई एक्सीडेंट हो गया वो भाई, नहीं नहीं स्कूटी का तो हो गया मुहूर्त सा। भाई मैं बता रहा हूँ, ये जो आ रही है ना ड्राइवर, इसने अचानक से मोड़ दी, गलती इनकी ना भैया, ये थोड़ा इनके ब्रेक को मुंह से लगा कर रहे हैं भाई। ये सीन में ये नहीं पता ये क्या है, ऑरेंज टाइप इन्होंने लगा दिया, मना करते करते भी यार यार ये तो पकड़ रहा भाई, अब पता नहीं किस क्या चीज का लगा दिया, पैसे भी नहीं लिए बंदे ने, पानी ले लिया अपने साथ भाई, बैग वैग जमा हो गया। आप चल रहे पीछे तुमने देख लिया होगा, तो भाई जेंट्स की अलग लग रही है, लेडीज की लग रही है, इसमें लग गया था पता नहीं था, पीछे सारी एकदम भीड़ को डब्बे वाली यहाँ पे लगेगी, अब फिर एंट्री होने लगी और थोड़ी बहुत देर में। भाई वाघा बॉर्डर के जो मेन गेट है अंदर, वहाँ एंट्री होने की पहले की भीड़ देख ली, वहाँ तक लाइन लग रही है सड़क तक, और अभी थोड़ी और धीरे धीरे और लगती रहेगी। ऊपर ये भाग भाग के गए चेकआउट करने की, वहाँ पे क्या सीन होगा, कैसे कैसे छपरा डाल रखा, नहीं डाल रखा बैठने के लिए, अभी गर्मी में ये पिपलते हुए आएंगे। तो भाई अटारी बॉर्डर के अंदर आ चुके हैं, निकल जाएगा वो, आ जाओ भाई, ओए ये नहीं सुनने वाले भाई, हम चल रहे हैं आगे, चल के आगे ही बैठेंगे बस। भाई डिस्प्ले चेक कर लो, जैसा डिस्प्ले पे हो रहा ना ऐसे होगा सेम, और मैं तुम्हें वीडियो बनाकर तो दिखाई रहा हूँ। चलो यार मैं तो यार कहाँ रह गए, ये वीडियो के चक्कर में पता नहीं कहाँ रह गए, भाई वीडियो नहीं बन रही। इंडिया स्वर्ण जयंती द्वार, यार भाई मुझे लग रहा है पीछे बैठवाओगे जो 100% तुम्हारे भाई की हालत होगी बहुत खराब, तुमने हालत देख लियो गर्मी के मारो। पर है पाकिस्तान, इधर इंडिया हिंदुस्तान, तो यहाँ पे भी चक रहे है। अब यहाँ परेड वरेड होगी, जैसा भी मैं तुम्हें दिखाता रहूँगा। भाई भीड़ देख रहे हो कितनी है, उधर से देखो ऊपर से देखो, और अपनी हालत दिखाता हूँ मैं, एक मिनट चेक करो। बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है, पर कोई नहीं भाई सब देख के जाके, आज तो बेशक हालत बेकार हो ली हो, देख के जरूर जाके। तो भाई परेड स्टार्ट होने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो जो भी ये सीट रह रही है सब भर जाएगी। तुम्हारा भाई तो यहाँ बैठ गया, फुल चिल मारेगा, चिल बिल कहीं नहीं भाई, गर्मी में हालत बहुत तगड़ी खराब हुई पड़ी। अरे भाई मेरी हालत देखना चाहोगे एक बार, देखो बहुत बुरी हालत खराब है। ऊपर चेक कर लो भाई, ऊपर तो रहेगी, ऊपर एक बार ऊपर चेक करो।
दर्शक ध्यान दे, आप सभी दर्शकों से निवेदन है राष्ट्रीय ध्वज वादन समय ध्वज के सम्मान सब जो अंदर भीड़ थी यार भाई साहब, जो नारे लगे मजा आ गया, इतना तगड़ा मजा नहीं आया, मैं पहली बार आया। जाते भाई टाइम देख लो, अब तो बस पता नहीं कब आना होगा, जब अमृतसर जब आना होगा। अब तो यहाँ पे हम अभी इसी ट्रेन में आए जो उनसे जान लग रही जालंधर आ गया। अब यहाँ सुबह को आराम से पहले प्लेटफॉर्म टिकट खरीद ले, उसके बाद सुबह सुबह होके यार फ्रेश व्रैश नहा धो के अपना दवाई ले गए, फिर सीधा घर के लिए रवाना हो गया। बहुत टाइम है यार भाई, घर की बहुत तगड़ी याद आ रही, सबसे तगड़ी याद आ रही खाट की भाई, लुकी लुकी बहुत तगड़ी आ रही, और कहीं सोने को नहीं मिल रहा, ठीक तो होगा भाई। जालंधर सिटी से बाहर को जा रहे, थोड़ा खाने पीने का रास्ता देखा है, अपना फ्लैग देखो कैसे लहरा। बात नहीं, अभी वहाँ गए जा रहे मार्केट में, कुछ सामने मार्केट है, यहाँ कुछ खा पी के आते हैं।